बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और 12 जिले की अंता विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी को मांगरोल क्षेत्र के गांव ईश्वरपुरा में जनसंपर्क के दौरान जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने मंत्री जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं विरोध बढ़ता देख मंत्री जी को वापस लौटना पड़ा। मंत्री जी के बोलने के तेवर देखो, देख लो इसकी। जनता का कुछ भी नहीं करते आप। जनता का हम वोट देते हैं, कुछ भी आपके दिन गए अब। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, डूंगरपुर से भाजपा प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी का जनता जमकर विरोध कर रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता का कुछ भी नहीं करते आप। जनता का हम वोट देते हैं, कुछ भी आपके दिन गए अब। आप काबे ले दो ना तो जीत के बता लेना। क्या कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे? मंत्री जी के बोलने के तेवर देखो, मंत्री जी के बोलने के तेवर देखो। देख लो इसकी। जनता का कुछ भी नहीं करते आप। जनता का हम वोट देते। तो जैसा कि आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी का जमकर विरोध किया जा रहा है। डूंगरपुर में जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी का लोगों ने जमकर विरोध किया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 12 से हमारे संवाददाता संजय दत्ता। आइए उनसे पूछते हैं। संजय जी, जी तो ये ऐसे आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, आए दिन कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के, तो जनता में इतना आक्रोश क्यों दिख रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अर्पिता इस बात को कहा जाए कि लोगों को जो अपनी समस्या अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर बार बार गुहार करने पर भी क्षेत्र के विधायक या मंत्री ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 साल के बाद अब चुनाव आते ही उन गांवों की याद आई, उस क्षेत्र की याद आई, जिसे लेके लोगों में आक्रोश है, चाहे वो कांग्रेस का हो या चाहे भाजपा का हो। और ये मामला है जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, ये मामला है 12 जिले की अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से, जहां से भाजपा के दिग्गज प्रभुलाल सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से उनके बोल थे उसे देख के लगता है कि कहीं कहीं उनमें बौखलाहट आ चुकी है, हार नजदीक आते हुए दिख रही है। तो इसको लेकर बौखलाहट से उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस तरह से बात की। जी संजय, तो आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस के, तो ऐसे में इनकी छवि क्या धूमिल होती जा रही है? जी, इन हालातों को देख के लगता है कि इनकी छवि आम जनता के बीच में किस तरह से धूमिल हो रही है, ये वीडियो बता रहे हैं। इसके अलावा एक नया वीडियो और वायरल हुआ है, बूंदी जिले के केसर राय पाटन विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल का भी गांव में विरोध किया है, उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा अन्य पार्टी पे कांग्रेस के भी कई जगह पे इस तरह से गांव में विरोध हो रहा है। लोग गांव में, इन नेताओं को गांव में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं कहीं इनकी नाकामियों के चलते गांव में और अन्य जगह पर इनका विरोध हो रहा है। जी संजय, तो डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने जनता के इस रोष का कैसे कैसे जवाब दिया, कैसे सामना किया? देखिए, जिस तरह से वो धमकाते हुए नजर आए कि हम अपने औकात पे आ गए तो गांव में नहीं घुसने देंगे, तो ये साफ साफ तौर पर उनकी पूरी तरह से बौखलाहट को दर्शा रही है। इसे लेके कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने
चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा है इस मामले को लेकर, किस तरह से आगे प्रत्याशी को धमकाने का मामला सामने आ रहा है। जी संजय, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा सोशल मीडिया पर ये वीडियो कितना वायरल हो रहा है, ये डॉक्टर प्रभुलाल सैनी का विरोध किया जा रहा है जनता के द्वारा। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लेखराज जी। जी लेखराज जी, प्रभुलाल जी को इतना जनता का रोष का सामना क्यों करना पड़ा है, जनता ने क्या कारण बताया इस रोष का? हर तरह बताना चाहूंगा कि इस बार पूरा गांव में जब रात्रि के समय में प्रभुलाल सैनी जब वहां पर अपने जनसंपर्क के लिए गए, तो वहां के ग्रामीणों द्वारा उनको विकास कार्य जो कि 4.5 साल में वादे किए थे उसके मुताबिक नहीं हो पाए, उसको लेकर जनता आक्रोशित थी। और उन्होंने प्रभुलाल सैनी से यह कह डाला कि आपकी बार आप रवानगी की तैयारी कर लीजिए। जी लेखराज, तो आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं दोनों पार्टी की ओर से। कल हाल ही में कुछ दिन पहले ही वसुंधरा राजे जी का वीडियो वायरल हुआ था, कल ही बनवारी लाल जी का वीडियो, भगवती लाल जी का वीडियो वायरल हुआ था, और आज ये वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसे में क्या कैसी छवि रखती है ये दोनों पार्टी अपनी जनता के बीच? अर्पिता, जैसा कि बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत गंभीर समस्या का सामना है जनता के लिए, जबकि ये अपने प्रत्याशी जो कि प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर जनता को उल्टा दराज से धमकाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रकार का मामला हमने देखा इस बरपुरा गांव में, जहां पर प्रभुलाल सैनी जनता की केवल यह कहने पर ही उनको वापस आकर उन्होंने कहा कि जीतने तो ना तो दूर की बात है, मैं यदि अपनी औकात पे आ गया तो मैं बता दूंगा। तो इस पर सीधा हमला बोला प्रमोद जैन भाया पर कि जीतना तो दूर की बात है, आप गांव में घुसकर ही बता दीजिए। जी लेखराज, तो आपको क्या लगता है इन वीडियो के देखते हुए कि बीजेपी को चुनावों में, इस बार के चुनावों में कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? यहाँ पर बताना चाहूंगा अर्पिता कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, क्योंकि अंता जो कि एक बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ पर दो दिग्गज नेताओं के बीच में यहाँ पर घमासान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के जवाब में जनता दोनों पक्षों की सुनकर अपना मतदान करेगी, जिससे वे अपना सही नेता चुन सकेंगी। जी लेखराज, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा डूंगरपुर में जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर प्रभुलाल सैनी को जनता का विरोध का सामना करना पड़ा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है।